आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीद थी कि उन्हें जमानत या फिर अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच अंतरिम जमानत पर बिना फैसला दिए हुए उठ गई। दरअसल आज लंबी बहस हुई और बहस के बाद बेंच उठ गई और उसने 9 तारीख का समय दे दिया है। 9 तारीख को अब फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, बाकी बची हुई कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन अगर 9 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ये मामला अगले हफ्ते तक टल सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल में अभी जेल से बाहर आने की नौबत में नहीं है। अभी 2 दिन का इंतजार उनका और बढ़ गया है। पहले ये माना जा रहा था कि 7 तारीख को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे दे, क्योंकि जो तमाम बहस और तमाम मुद्दे उठ करके सामने आए, जिस तरह की दलीलें दी गई, उसके बाद ये उम्मीद बंधी थी। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तमाम तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तब हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, इसीलिए शुरुआत में हमने एक भी सवाल इनसे जुड़ा हुआ नहीं पूछा। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी, जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंतरिम जमानत पर बात करते हुए पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है, केजरीवाल केस में क्या उनके घर की उनकी संपत्ति की कुर्की हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों लगा, क्योंकि ये जांच तो काफी दिनों से चल रही थी। जिसके बाद एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर राजू 2 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए, आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल भी ईडी से मंगवाते हुए कहा कि 2 सालों की जांच चल रही है, ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए सही नहीं है। 2 सालों तक इस तरह जांच चले। एसवी राजू ने आगे भी कहा कि हमें पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल के रुकने का खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया है जिसने शराब कंपनियों से नगद पैसे लिए थे। हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। किसी भी गवाह या गवाह के बयानों में केजरीवाल को दोष मुक्त करने वाला एक भी बयान नहीं है। इस पर संजीव खन्ना जस्टिस ने पूछा कि बयानों में केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया। इस पर एसवी राजू ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को चुबी बाबू के बयान में उनका नाम सामने आया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको इतना समय क्यों लगा, हमारा सवाल यह है कि आपने देरी क्यों की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछना और उसकी जांच शुरू कर देते तो गलत लगता, केस में समझने में समय लगता है, बातों की पुष्टि करनी होती है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनाव का मौसम है, यह असाधारण स्थिति है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। उनके इस बयान का विरोध जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि क्या कोई सीएम है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं, क्या चुनाव के लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह अलग बात है, हम 5 सालों में एक बार होते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि 6 महीने तक समन टालते रहे, अगर पहले सहयोग करते तो हो सकता है कि गिरफ्तारी ही ना होती। यानी अभी भी बहस जो है अपने पीक पर है और माना जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी 9 मई को एक बार फिर से सुनवाई और बहस के बाद इस पर कोई ना कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज की जो कार्रवाई थी वो खत्म हो गई और अंतरिम जमानत पर केजरीवाल की कोई फैसला नहीं हो सका, यानी 2 दिन तक जेल में और बिताने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।